चलिए अब पहेली के उत्तर देखते हैं। आशा है कि आपने इस बारे में सोचा होगा और आपको हमारी और संतोष की भागने की गति पता चल गई होगी। अगर नहीं तो देखिए इस तरह से इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये इस तरह की पहेली है कि जिसमें अगर हम चित्र बनाकर देखें तो उत्तर बिल्कुल साफ ही दिखाई दे जाते हैं। जब हमने रेल को देखा तो हमने 7/8 सुरंग पार कर ली थी। सुरंग की उस जगह से संतोष रेल की दिशा में दौड़ा और मैं संतोष की ही रफ्तार से उल्टी दिशा में दौड़ा। जैसे ही संतोष सुरंग के अंत तक पहुंचा, रेल सुरंग में घुसी। तब तक मैंने भी उल्टी दिशा में संतोष के जितनी ही दूरी तय की थी, इसलिए जब रेल सुरंग में घुसी तो रेल मुझसे 2/8 जितनी सुरंग की लंबाई उतनी पीछे थी। अब उस जगह से रेल और मैं दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे थे और हम दोनों एक ही साथ सुरंग से बाहर निकले और इसीलिए मैं बार बार बचा। तो जितनी देर में मैंने सुरंग की 6/8 दूरी तय की, उतनी ही देर में रेल ने पूरी सुरंग की लंबाई तय करी। इसलिए मेरी और रेल की गति भी उसी अनुपात में होनी चाहिए, यानी 6/8 और 8/8, यानी 3/4। तो इसलिए अगर रेल की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मेरी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी हम दोनों की गतियों का अनुपात 3/4 होगा। आशा है आपको सकलेशपुर की रेल यात्रा पसंद आई होगी। धन्यवाद।